वाणिज्य दुनिया के सभी देशों का अहम हिस्सा। ये देश के विकास को आगे बढ़ाता है और नए पायदान पर भी लेकर जाता है। हमारे देश के आर्थिक विकास को कई दशकों से आगे बढ़ाता आया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आज इसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को मिलने जा रही है 4.33 एकड़ पर लगभग 226 करोड़ की लागत से निर्मित पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग वाणिज्य भवन। इस वाणिज्य भवन में एक छत के नीचे कॉमर्स सेक्टर के हर क्षेत्र से साइलोस को खत्म करने का कार्य और बेहतर तरीके से किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ये नई इमारत प्रमाण है कड़ी मेहनत का, जिससे कि शिलान्यास के बाद 4 सालों में एक सर्व सुविधा युक्त भवन की कल्पना साकार हुई है। ये इमारत फैली हुई है 6 फ्लोर्स पर, जहां है अत्याधुनिक तकनीक और नेचर का मेल, जहां कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर से जुड़े 1000 से अधिक कर्मचारी एक साथ बैठ काम कर पाएंगे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे, समस्याओं के समाधान जल्द होंगे और बनाया जा सकेगा व्यापार करना और आसान। साथ ही वर्क एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाया गया है। डेलीगेशन रूम, मीटिंग एरिया और ग्राउंड फ्लोर पर मिनी कन्वेंशन सेंटर से। इसके अलावा इमारत के कंपाउंड में फैली हरियाली, राजस्थानी छज्जे, ट्रिपल हाइट वाले खंभे, आगरा का फेमस लाल स्टोन, रिसेस्ड विंडोज और एस्थेटिकली डिजाइन्ड स्पेसेस इस इमारत के मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिजाइन को दर्शाती हैं। इस इमारत के निर्माण के समय हर छोटी बड़ी बारीकी का ध्यान रखा गया है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से निर्माण के समय ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाया जा सका है। कंपाउंड में मल्टीपल चेंबर्स की सहायता से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और सोलर पैनल और आधुनिक तकनीक से 20% ऊर्जा की बचत संभव हो पाई है और की गई है 2 लेवल्स पर 400 से अधिक गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा, जो कि अन्य फीचर्स के साथ इसे बनाते हैं यूनिवर्सली एक्सेसिबल, डिजिटली स्मार्ट और एनर्जी एफिशिएंट। तो कुल मिलाकर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का ये नया भवन है भारत के आर्थिक विकास की ताकत, गवर्नेंस में नई प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रमाण और न्यू इंडिया को साकार करने की दिशा में एक योगदान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं ये नया वाणिज्य भवन देश को समर्पित।